मध्य प्रदेश की नर्सिंग छात्राओं ने भी अपनी 5 मांगों को लेकर भोपाल के इकबाल मैदान में प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को अनुमति नहीं होने का हवाला देकर हटा दिया। नियमित करने की ये सभी मांग कर रहे हैं। मेडिकल छात्राएं हैं जिनका कहना है कि कोरोना काल में इन सभी ने पैरा मेडिकल स्टाफ और नर्सों ने 2 साल तक काम किया, लेकिन सरकार ने उनको सेवा से अब बाहर कर दिया है। सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। हम सब यहाँ कोविड स्टाफ आए, इसमें स्टाफ नर्स है सब। हम चाहते हैं कि शिवराज जी जो अपने मामा जी हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे यही मांग करना है कि हम जितने भी कोविड स्टाफ है उनको वापस लिया जाए, जिनको बाहर निकाला है, और उनको सुविधा या नियमित किया जाए। इतनी सी मांग है, क्योंकि हम गर्ल्स हैं, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बाल बच्चा घर बैठे सबको छोड़ के हमने सरकार का साथ दिया है। क्योंकि अगर हमारा काम यही है लोगों को सेवाएं देना, तो हमने इतनी महामारी फैलने के बाद इतनी दशक बैठी हुई थी लोगों में, तो अभी हमने कदम उठाया, हम लोग आ गया है। तो हम ये सोच के क्यों नहीं आए थे कि कल हमको वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने सरकार का साथ दिया तो सरकार को हमको साथ देना पड़ेगा, उनको नियमित करना पड़ेगा। कोविड के दौरान इनकी तैनाती हुई थी और फिर शायद इन लोगों की कुछ मांगे हैं, उस पर से ये लोग आए हुए हैं। संबंधित लोगों से, इनके पदाधिकारियों से ज्ञापन ले लिया गया है और मुख्यमंत्री जी को तो सौंपा जाएगा। इनके जो प्रतिनिधि मंडल है उनको भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के इधर पे मिलवाया जा रहा है, और इनकी सारी जो भी बातें हैं वो सरकार के समक्ष रखने के लिए हमारा जो माध्यम है उस माध्यम से हम पूरा सहयोग करें।